बायोमेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बनाया एक ऐसा हाथ जो कि ब्रेन कंट्रोल है। मैं वापसी सिग्नल लूंगा, ये रिलैक्स हो जाएगा। अब ये मैं ब्रेन से वापसी आराम से सिग्नल दिया, मैंने फेस मूवमेंट आ गई, फिर मैंने ब्रेन से सिग्नल दिया, सिग्नल दो, चलो। अरे वेरी गुड, वापसी फिंगर मूवमेंट करो। इजीली कर रहे हो सारे काम? हाँ, इजीली हो जाते हैं, जैसे मोबाइल की चार्जिंग करना और एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाता है, यूज आ जाता है। जिससे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन मसला कहाँ आता है? उस टैलेंट को ढूंढना। हमारे पाकिस्तानी नौजवान जो कि कराची में रिहाइश पज़ीर हैं, बायोमेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बनाया एक ऐसा हाथ जो कि ब्रेन कंट्रोल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ब्रेन कंट्रोल है, वो ब्रेन से कंट्रोल होता है। और वो हाथ उन्होंने क्यों बनाया और वो किन लोगों के लिए है? वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के कुछ हाथ साथ में हाथ कट जाते हैं या कुछ भी किसी रीज़न की वजह से, अक्सर बीमारी कोई ऐसी हो जाती है कि हाथ काटने पड़ जाते हैं या किसी मशीन में हाथ आने की वजह से हाथ कट जाता है, तो वो सारी ज़िंदगी अपने हाथ से महरूम हो जाते हैं। वो हाथ जो हमारे बायोमेडिकल स्टूडेंट ने बनाया, वो उन लोगों के लिए बनाया है जो इजीली उस हाथ का यूज़ कर सकें और उसको लगा सकें। वो हाथ कैसे काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो ब्रेन कंट्रोल है, हमारे दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है ऑटोमेटिकली वो हाथ वो काम कर रहा होता है। ये चीज़ एक अनोखी चीज़, एक अनोखी ईजाद है जो कि हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बनाया। हम मज़ीद इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि कहाँ से इनको ये आइडिया आया और अब तक ये किस तरह से काम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप अपना, मुझे आपका नाम पता है लेकिन मैं चाहती हूँ आप खुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा बिन सईद है और मैं एक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। और अमूमी तौर पे बायोमेडिकल जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, उनको अपने लास्ट ईयर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होता है जिससे उनकी क्रिएटिविटी शो। तो हमने ये सोचा कि हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे लोगों का फ़ायदा हो, तो लोगों का भी फ़ायदा और नेशन का भी फ़ायदा। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और दुनिया भर में लोगों को फ़ायदा होगा, सिर्फ हमारे नेशन को भी। और ये आर्म एक ऐसी डिवाइस है जो जिन लोगों के आर्म चले जाते हैं, जो उनकी बहुत एक एहसास कम तरीका वो शिकार हो जाते हैं, जो लोग बिना आर्म्स के ही पैदा होते हैं वो भी बचपन से ही लेकर बड़े होने तक वो इसी एहसास कम तरीके शिकार में रहते हैं। लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम कर देते हैं, ज़्यादातर अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं। तो इससे ये होगा कि उनको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है एक, और किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ वो खुद ही इंडिपेंडेंटली अपनी काम कर सकते हैं। फिर ज़्यादा फील नहीं होता इसको लगाने के बाद कि एक आर्टिफिशियल चीज़ लगी हुई है या फिर कुछ इस तरह से? जाहिर है आर्टिफिशियल तो है ही, लेकिन ये है कि होता है अमूमन के कुछ ऐसा होता है कि पता नहीं चलता जब तक हम किसी को बताते नहीं है। तो लाइक इसी तरह से इसको लगाने के बाद जैसे ऊपर कपड़े वगैरह आ गए तो पता नहीं चलता, या एक इनहेंस हो रही होती चीज़ वर्जन वन जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसके ग्लव्स ही ऐसा है, उसमें नेल्स नहीं है, स्किन कलर है, तो वो बिल्कुल पता नहीं चलता। लेकिन वर्जन टू जो ये रोबोटिक है, इसकी अपीयरेंस है, अच्छा, तो ये थोड़ा पता चलता है। लेकिन इसके दूसरा फायदा ये कि इसके फंक्शन का, जिन लोगों के हैंड्स नहीं है ये उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत एक इजी इन्होंने एक चीज़ जो है, इन्होंने इस हैंड को मेडिकल लैंग्वेज में, आप बताइए इसको मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको मेडिकल लैंग्वेज में प्रोस्थेटिक आर्म, प्रोस्थेटिक हैंड कहते हैं। और ये देख लें कि कितना मतलब इजीली, जैसे हम आम रूटीन में मूवमेंट करते हैं जो एक नॉर्मल हाथ होता है वैसे ही। दोबारा से होंगी सर, कहाँ से होंगी? ठीक है, देखिए वो बिल्कुल रियल उसी तरह से ग्रैब भी कर रहा है, मूवमेंट भी कर रहा है, एक एक फिंगर जैसे नॉर्मल हमारी होती है, जैसे मेरा हाथ है वैसे ही है। इसकी इंडेक्स बैंड मूवमेंट है जिससे स्विचेस ऑन ऑफ हो सकते हैं और कंप्यूटर पे टाइपिंग भी हो सकती है। ब्रिलियंट, कंप्यूटर पे टाइपिंग भी हो सकती है। बहुत जबरदस्त, सही। अब ये जब मैं कहूँगा जब ही चलेगा, यानी कि अब ये मेरे ब्रेन से चलेगा, ठीक है? अच्छा। यहाँ पर मैं इसको सिग्नल दिया, ये ऑन हो गया, इंडेक्स मूवमेंट हो गया, अब मैं कोई
सिग्नल नहीं देगा, मेरा आर्म जो है वो रिलैक्स है, मैं वापसी सिग्नल लूँगा ये रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैं ब्रेन से वापसी आराम से सिग्नल दिया, मैंने फेस मूवमेंट आ गई, मैंने ब्रेन से सिग्नल दिया रिलैक्स। अच्छा ऐसा है कि कोई चीज़ इसने ग्रैब कर ली वो ग्रैब स्ट्रॉन्गली हो जाती है या फिर ग्रैब हो जाती है, मैं इसको करके ओके लेट्स सी। अब ये गिरेगा नहीं, प्रैक्टिस होती है पेशेंट्स की, मेरी तो प्रैक्टिस हो गई है। अभी कोई पेशेंट अवेलेबल है आप जिसको ये लगा हुआ हो? जी एक पेशेंट जो है मेरे पास जॉन है, अभी यहाँ पर है, और दूसरे पेशेंट हैं जिनके मैं लगाने जा रहा हूँ। अच्छा अभी अवेलेबल है आप? जी अभी अवेलेबल। ओके तो मिलवा सकते हैं आप उन पेशेंट से जिनको ये लगा है और जिनको लगाने वाले हैं आप? जी इंशाल्लाह आप मिलें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन सलीम है। क्या करते हैं? मैं अभी जो है जॉब कर रहा हूँ अपना टीपेड ट्रैकर में। अच्छा उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं कुछ नहीं, स्टडी कर रहा हूँ अभी भी। अच्छा क्या स्टडी कर रहे हैं? बीकॉम कर रहा हूँ मैं कराची यूनिवर्सिटी। अच्छा कराची यूनिवर्सिटी से। क्या हुआ हाथ को? क्या हुआ? ये बाय बर्थ है। अच्छा बाय बर्थ है। बाय बर्थ तो अभी ये लगवाया आपने प्रोस्थेटिक हैंड? नहीं ये 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए, यूज्ड टू तो हो गए होगे अभी? जी जी यूज्ड टू। अच्छा तो ये अभी कंफर्टेबल है, सूटेबल है ये? कंफर्टेबल। अच्छा क्या सोच के लगवाया है? ये सोच के लगाया है कि जब पहला आता है तो दूसरा आदमी लग जाए कंफर्टेबल, जो दूसरी चीज़ें नहीं हो पा रही थी इजीली, ये भी दूसरी आप इजीली कर रहे हो सारे काम? हाँ इजीली हो जाते हैं, जैसे मोबाइल की चार्जिंग करना और एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाता है, यूज़ आ जाता है चीज़ें। तो इससे कोई मसला मसाइल तो अभी तक तो कोई मसला नहीं आया, इंशाल्लाह बाद में। जैसे आम रूटीन में यूज होती है आम, हमारा जो हैंड होता है उसी तरह से है या फिर मुश्किलात होती है? नहीं तो अगर सोचा जाए तो ब्रेन से सोचा जाए तो ये सोचा है कि वो प्लास्टिक हैंड है, मगर काम में आए तो समझने के यार इंसान काम तो हो रहा है ना, बस ये चीज़ ना होने से तो होना, ना होने से तो कुछ बेहतर। अच्छा है। तो आपने बताया कि ये इसको 4 मंथ हो गए हैं, तो कितने में लगाया था, कितने चार्जेस पे किए थे आप? मैंने कोई चार्जेस पे नहीं किए थे, ये उसामा भाई की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ये लगा के दिया। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया उन्होंने, वेरी गुड, मतलब उन्होंने आपको हेल्प आउट किया? जी मुझे हेल्प आउट किया। अच्छा तो कोई चीज़ अगर ग्रैब की आपने तो हो जाती है? जी इजीली हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं होती? कोई चीज़ की मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो इंसान करना चाहे तो मुश्किल होती है, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं होती। अच्छा तो अभी कुछ मूवमेंट करके दिखाएं इसे? जी ये देखें। अच्छा ये ऊपर करें इसको? ये 1 क्लिक से देखें ओपन हो गया। अच्छा ये भी ब्रेन में ही आपने? जी जी ये। अच्छा और ये देखिए ये बंद हो जाएगा, इसको पकड़े उस हाथ से पकड़े। छोड़ दूँ? बात करें इसको आगे? चलो ये भी बहुत अच्छी बात है कि चले, ना होने से तो होना बेहतर है, इतना तो ये वर्किंग कर रहा है। जी नाज़रीन अभी हमने एक पेशेंट से बात की, उसका रिव्यू लिया और माशाल्लाह से उसका रिव्यू बहुत पॉजिटिव था। अभी हम सेकंड पेशेंट की तरफ जा रहे हैं, उनको हैंड लगाने के लिए जा रहे हैं, क्यों ठीक है तो देखते हैं उनसे भी रिव्यू लेते हैं और ये हैंड कैसे लगाया जाता है ये भी आपको दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठीक। क्या नाम है आपका? अमान। अच्छा फर्स्ट टाइम लगवा रहे हैं? अच्छा ओके। ये तो बहुत ही इजी प्रोसीजर है, बहुत इजीली ये लग गया। अच्छा इलेक्ट्रोड लगा दें ताकि इनका सिग्नल जो है वो कैच हो सके, ठीक है। कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही इजीली लगा दिया गया है। लेकिन अगर ये खुद पहनेंगे तो ये आराम से वेयर कर सकते हैं इसको। अच्छा अभी तो वो यूज्ड टू नहीं होंगे? यूज्ड टू नहीं है तो ये आराम से खुद भी वेयर कर सकते हैं, सिर्फ बैंड की तरह जैसे आर्म बैंड होते हैं।
तो उसकी तरह इसको पहना सकते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं बायोमिक का कहाँ से आपने देखा था, पता चला था कि यहाँ पे हैंड्स लग रहे हैं? मतलब कंपनी वाले ना खुद आए थे, वो इनके जो है कंपनी के जो ऑनर्स है ना, जी जी, उन्होंने इनके हैंड लगवाया, तो उन्होंने हमें यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखी। अच्छा, तो मतलब ये अभी भी आपके एक पेशेंट से मैं बात करके आ रही हूँ, वो भी बता रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया है, तो ये क्या सीन है? फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा है कि हमारे पास जो फंड्स आते हैं तो हम देखते हैं, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अच्छा, उनके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाते हैं। कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ पैसे अफोर्ड कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, अच्छा, तो उनसे हम हाफ पेमेंट ले लेते हैं और बाकी जो है अच्छा तो फंड से देते हैं। इजली हो रहा है, सिग्नल दो, चलो। अरे वेरी गुड, वापसी फिंगर मूवमेंट करो, खोलें और मुझसे हाथ मिलाएं। कि अगर कंपनी को अप्रोच करना हो लोग किस तरह से करें, कोई इजीली नंबर बता दीजिए, आपकी कोई वेबसाइट होगी वो भी बता दीजिए, ताकि इजीली लोग अप्रोच कर सकें, और जो पेशेंट्स आप तो पेशेंट्स जो आप लोग तो कंफर्टेबल हो गए होंगे, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है तो बता दीजिए। जी मेरा नंबर है 0334-344-317 और हमारी जो कंपनी है उसकी वेबसाइट भी है biomicengineering.org, तो वहाँ से भी हम कोई चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे नंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फंडिंग का क्या सीन है? फंडिंग यही है कि मुझसे जो भी फंडिंग करना चाहे रابطہ करें पहले मुझसे, फिर उसके बाद मैं अकाउंट डिटेल्स उनको शेयर करूंगा, अच्छा, फंडिंग्स वगैरह भी हो जाए। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। मैं मौजूद थी आज बायोमिक इंजीनियरिंग कंपनी में, इस कंपनी को कैसे अप्रोच करना है वो तो हम आपको अपने एपिसोड में बता ही चुके हैं। सो काइंडली जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं, ताकि जो माजूर लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनको हेल्प आउट हो सके। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और प्रोस्थेटिक हैंड के हवाले से भी अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। जो लोग लगवाना चाहते हैं वो इजीली लगवा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि बहुत इजीली काम करता है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।